मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश की सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में उन्होंने खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बात की है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में 22 से 23 सीट पर जीत प्राप्त करेगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर जबरदस्त मंथन किया जा रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे का नाम लगभग तय माना जा रहा है, इस बात का अंदाजा नकुलनाथ की छिंदवाड़ा में बढ़ती सक्रियता से ही लगाया जा सकता है। कमलनाथ की पत्नी अलकानाथ अपने बेटे के लिए वोट की अपील लेकर जनता के बीच पहुंची थी। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और वे नकुलनाथ के साथ सभाएं करेंगे। कमलनाथ के छिंदवाड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। पहले कमलनाथ ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से टिकटों, कर्ज माफी और कांग्रेस नेता की मौत को लेकर चर्चा की है। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी और बैठकें होनी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर सिर्फ बुनियादी तौर पर चर्चा हुई है। प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची अगले 3-4 दिन में तय होने की संभावना है। अभी चर्चाएं चल ही रही है। नाथ ने कहा कि लोकसभा के इस चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 22 से 23 सीटें जीतेंगी। कम से कम 22-23 सीटों की हमारी उम्मीद है अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी सेकंड इलेक्शन कमेटी ने उन प्रदेशों का कर रही है जो फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में। हमारा मध्य प्रदेश तो चौथी फेज में है। सब तय किया जाए कि कांग्रेस ने पिछले 85 दिनों में जो अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है, ये हम जनता के सामने रखेंगे। साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है पिछले 5 साल में केंद्र में NDA की सरकार ने, और पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को निराश किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे खुद तय करेंगे कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। कमलनाथ ने यह भी बताया कि खुद उन्होंने दिग्विजय सिंह से निवेदन किया है कि अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश की सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़ें। सिंह को खुद तय करेंगे, पर उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़े। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह का नाम इंदौर और भोपाल लोकसभा सीट से चल रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा के मजबूत किलों को भेदने के लिए पार्टी आला कमान दिग्विजय को मैदान में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।